One, two, clap. Hey guys, what's up? Welcome back to the video. आज हम कर रहे हैं एक back workout, but this is a different workout. ये workout basically, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि periodization technique का इस्तेमाल करेंगे. साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने आप एक तरीके का workout नहीं कर सकते. आप हर समय अगर आप 12 rep, 15 rep, muscle building, 3 set, पूरे साल वही करेंगे तो पूरे साल आपकी बॉडी वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी. आपको बॉडी को पीरियोडाइज करना पड़ता है. साल में 4 हिस्सों में बांट लीजिए साल को. तो अभी तक जो मैं कर रहा था वो प्योरली एक मसल बिल्डिंग वर्कआउट कर रहा था. अब मैंने स्विच कर दिया बिकॉज आफ्टर सेकेंड बेबी अब कॉलेज भी स्टार्ट होगा, पढ़ाई भी स्टार्ट होगी, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइफ में. वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे जिसको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे बेसिकली, जिसको कि आपको 2 घंटे लग जाते हैं करने में, इंक्लूडिंग कार्डियो ऑफ कोर्स. तो अभी हम स्विच कर रहे हैं पुश पुल लेग्स एंड आर्म्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था. एंड टुडे इज आर टुडे वी आर डूइंग द पुल वर्कआउट. पुल में हम बैक मारेंगे, बिकॉज इट्स पुलिंग मूवमेंट, एवरीथिंग इज पुलिंग. विल पुल विद आर श्रग्स, विल ट्रैप, सो विल श्रग एंड हैमस्ट्रिंग. सो हैमस्ट्रिंग इज ऑल्सो पुल बिकॉज वी पुल द वेट अप. सो विल डू द पुल वर्कआउट. उसके बाद जो सीरीज में आएगा वो पुश वर्कआउट होगा, फिर हम आर्म्स करेंगे एंड देन वी ट्रेन लेग्स सेपरेटली. वॉट इज डिफरेंट इन दिस वर्कआउट? हमारा स्ट्रेंथ गेनिंग एम है अब से अगले मार्च एंड तक, 31 मार्च तक. अब मैंने को सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करनी है. दिसंबर मान लो अगर ख़त्म भी हो गया, ऑलमोस्ट इट इज़ डन. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, दिस इज़ माय पीरियडाइजेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022. मेरा रेजोल्यूशन कह लो, जो भी कह लो. सो विल पीरियडाइज आवर वर्कआउट, स्ट्रेंथ गेन करेंगे. 8 reps को मैं लाइक दिस इज़ माय कांटा, 8 reps. जब मसल गेनिंग पे था, वेट गेनिंग पे था, बल्किंग करा था, सो दैट वाज माय एम वाज 12 reps कि भाई 12 मारने हैं मेरे को. 11 भी लग सकते हैं उसमें मेरे से, 13 भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं. विल एडजस्ट इन द नेक्स्ट सेट, बट दिस टाइम माय एम इज 8 reps. 7 भी लगेंगे, 8 भी लगेंगे. अगर 10 लग रहे हैं तो वेट कम है, मैं वेट बढ़ाऊंगा. स्ट्रेंथ गेन करनी है आपको, मसल गेन पे ऊपर नहीं जाना. लो वॉल्यूम रखेंगे एंड बैक के लिए विल चूज 5 exercises. श्रग्स के लिए 1 exercise एंड फॉर द हैमस्ट्रिंग पुलिंग 1 exercise. सो टोटल 5, 6, 7 exercise. बैक जब स्टार्ट करेंगे, वार्म अप मैंने ऑलरेडी अभी वार्म अप करेंगे इसके बाद. उसके बाद जब फर्स्ट एक्सरसाइज बैक की होगी, विल स्टार्ट विद लैट पुल डाउन. उसमें हम मारेंगे 5 से 6 सेट बिकॉज हमें बैक को वार्म अप करना है. एक बार वार्म अप हो जाएगी देन एवरी एक्सरसाइज विल मैक्सिमम पुश फॉर 2 sets, उसमें से कि एक वर्किंग सेट होगा. तो हर एक एक्सरसाइज में हम एक वर्किंग सेट करेंगे. तो ये मोटा मोटा डिफरेंस जो है आपको नज़र आ रहा होगा रेगुलर वर्कआउट से, मसल बिल्डिंग वर्कआउट से. ये स्ट्रेंथ बिल्डिंग वर्कआउट है एंड टुडे वी आर डूइंग दी पुल वर्कआउट. सो ये थोड़ा सा मेरे को ईजी लगता है ये वर्कआउट, बिकॉज जो आपकी 12 rep होती है ना, 12 rep 13 rep हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी वर्कआउट, दैट ऑल्सो गिव्स यू मोर ऑफ अ कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट. बहुत थक जाते हो. स्क्वाट में अगर मुझसे कोई पूछे भाई 12 rep मारना आसान है मीडियम वेट से या हैवी वेट से, 6 rep मारना आसान है, मैं कहूँगा हैवी वेट से 6 rep मारना आसान है बिकॉज आई थिंक दैट इज़ ईजी फॉर मी. तो इस समय हमको वही करना है. सो आई एम लविंग माई वर्कआउट्स, मेरे को इतने टफ वर्कआउट्स नहीं लगते. बट वो जो इंटेंसिटी हम वेट ट्रेनिंग में लूज़ करते ना, उसको हम मेकअप करेंगे कार्डियो, बिकॉज कार्डियो नाउ बिकम्स हाई इंटेंसिटी. पहले जब हम मसल बिल्डिंग कर रहे थे तो हमारा कार्डियो था स्टेडी स्टेट, बट नाउ विद स्ट्रेंथ बिल्डिंग वी हैव टू मेकअप समवेयर, राइट? तो हमें कार्डियो में करेंगे हम हाई इंटेंसिटी. तो वो भी एक वर्कआउट मैं बनाऊंगा आराम से. तो ये पूरी सीरीज कवर करेंगे, पुश पुल लेग आर्म्स एंड देन वन सेपरेट आई विल कवर हाउ टू डू हाई इंटेंसिटी कार्डियो. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्लीट. अभी हम जाएंगे बैक की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है लैट पुल डाउन.
क्या मार रहे हो शोल्डर? कितने दिन हो गए? पकड़ लेती है साइड वाली। ओए बेबी चुप। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम पुश पुल वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जो पीरियडाइजेशन कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम ड्रॉप सेट नहीं मारते, सुपर सेट नहीं मारते, हम बस सिंपल रखते हैं। स्ट्रेंथ गेन करनी है, एक सेट से पूरा रिकवर होंगे फिर स्ट्रेंथ, मतलब यू टेक योर ब्रेथ, रेस्ट कैन बी लिटिल लॉन्गर, यूजली वी से 1 मिनट रेस्ट, इसमें 1 मिनट में आपकी यू विल रीगेन योर ब्रेथ मच फास्टर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग इन टू दैट रेंज ऑफ 12 to 13 रेप्स। So my friend over there, he started preparing for a contest. He is now into specifically muscle building range. 12 reps, 14 reps, feel the burn in the muscle. He is not concerned about power. But hum ulta cheez kar rahe hain. Hame abhi power se concerned hai. But don't, matlab usko galti se ye mat lena ki bhai 8 rep marne hai, heavy marna hai, power building karna hai, to hame form galat kar sakte hain. That is never an option. Form always has to be right if you're bodybuilding or if you're lifting weight. कंप्लीट हो चुका है, अब हम लास्ट सेट लेंगे विच विल बी द वर्किंग सेट दैट ऑलवेज टेक अ मेजर। जैसे अभी मैंने सेट मारा, मेरे को 10 सेट निकले, सो नाउ आई विल फिगर आउट थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज। मैं बहुत हल्का सा इंक्रीज करूँगा क्योंकि मेरे 10 रेप निकल आए थे, अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मसल ऑलरेडी फटीग है, तो नेक्स्ट सेट में दैट विल बी माई फाइनल सेट फॉर लैट पुल डाउन। तो हम एक लैट पुल डाउन करेंगे, उसके बाद हम बारबेल रोइंग करेंगे और एक्सरसाइज इज बारबेल रोइंग, सिंपल बेसिक बारबेल रोइंग, 6 to 8 रैप्स, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, विल डू जस्ट 2 सेट्स। हमने ये काम नहीं करना है कि पहले हम 10 लगाएं, फिर 20 लगाएं, फिर 30 लगाएं, 40 लगाएं, नहीं। आई जस्ट पुट 20-20 वन सेट एंड देन 20 मोर, वन मोर सेट, गिव एवरीथिंग फिनिश। एक सेट हो गया 20 का, सिर्फ दोबारा 20 लगाएंगे। आई फॉर सम रीजन आई सीन पीपल इन द जिम दे आर वेरी स्केयर्ड टू मूव अप द वेट फास्ट, कि पता नहीं कहाँ से होता है उनको कि नहीं धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी 20 लगाया है तो 5 और बढ़ाएंगे, फिर 5 और बढ़ाएंगे, सो यू इन टर्न एंड अप डूइंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग बट वो इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं होती। Okay, so third we'll do machine rowing. Only tip कि आप थोड़ा सा हाई बैठे, स्ट्रेच करके रो जब करें तो कोशिश करें कि हाथ कमर पे, लोअर कमर पे आए, सो आपकी जो लैट्स हैं, ये चंक ऑफ मसल है ना, ये एक्सटेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर अगर लाएंगे अगर आप तो आपका ये पार्ट वर्क कर रहा है, अगर आपका हाथ ऊपर आ रहा है तो ये पार्ट वर्क कर रहा है, अगर आपका हाथ नीचे आ रहा है तो ये पार्ट वर्क कर रहा है,
सो बेसिकली इट्स द एंगल बिटवीन योर एल्बो एंड द लैट्स. द एंगल इज मोर यू वर्किंग अपर बैक, एंगल इज लेस यू वर्किंग योर लोअर लैट्स. सो ये वर्सेस ये. Boy. Done. Two sets. That's it. अभी हम मारेंगे केबल पुल ओवर. So this is the cable. Sorry, machine pull over. It is one of my favorites. बहुत कम जिम्स में होती है ये और पूरा स्ट्रेच मिलता है आपको लैट्स में एंड देन यू कॉन्ट्रैक्ट. पुल ओवर इज द ओनली एक्सरसाइज जहाँ आप की जो सप्लीमेंट्री मसल होती है बैक में वो ट्राइसेप होती है. बाकी हर वर्कआउट में आप लैट्स के साथ या बैक के साथ बाइसेप को वर्क करते हैं. पुलिंग में हमने बारबल रोइंग की, हमने लैट पुल डाउन किया, सब में बाइसेप इंगेज थी, इसमें हमारी ट्राइसेप इंगेज रहेगी. और इसमें ट्राइसेप काफ़ी अच्छी इंगेज रहती है. अगर किसी की ट्राइसेप वीक है ना तो हैवी ये मारे रोइंग डंबल से, अगर मशीन जिम में नहीं है तो डंबल से मारेगा काफ़ी सही आपको ट्राइसेप आएगा. बहुत लोग होते हैं कि बैक में पंप नहीं आता बिकॉज इट्स अ नॉन मिरर मसल, आप देख नहीं सकते. ट्राई दिस अगर आपके जिम में, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं आपके जिम में तो आप ये भी कर सकते हैं. बहुत लोगों को लगेगा कि मैं एब्स का वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं एब्स का नहीं कर रहा. या तो आप डंबल से करिए लेट के बेंच पे, दैट इज गुड इनफ और यू कैन डू दिस. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दिस इज एब एक्सरसाइज बिकॉज आप एब में ये करते हैं, यू आर मूविंग योर क्रंचिंग योर एब्स. यहाँ पे यू आर नॉट मूविंग और क्रंचिंग योर एब्स अ बिट, ठीक है ना भाई. आप सिर्फ लैट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं और ये जब आप उसे नीचे हो जाएंगे ना ऐसे, ये आप स्टेबल आ गए, ये मारिए आप, सेम मूवमेंट है ये. दैट इज़ अ लिटल बेटर ऑफकोर्स, बट इफ यू डोंट हैव दैट मशीन नहीं है तो ये कर सकते हैं या डंबल से कर सकते हैं, जस्ट एन ऑल्टरनेटिव. ओके, वर्किंग सेट, छह रेप निकालने मिनिमम. हुप. थोड़ा सा मेरे को हल्का लग रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक ही सेट करना है. आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस सेट. यस. बढ़िया. कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए ना. सो दिस वन मोर बैक एक्सरसाइज इज लेफ्ट, हम पांच करेंगे टोटल. लास्ट में मारेंगे सीटेड रोइंग. दो तरीके, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं नॉर्मल ग्रिप और यू कैन डू रिवर्स ग्रिप. रिवर्स ग्रिप में आप लैट्स को आइसोलेट करते हैं और आप कम उठा पाएंगे. दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर ये, क्योंकि भाई जिम में आते ना और जब ज़्यादा वेट उठाते ना आप, व्हेन यू आर न्यू कमर और व्हेन यू आर नॉट इनटू अ प्रोफेशनल एथलीट, तो आपको लगता है फील गुड आता है, जिम में कुछ अच्छा कर गया मैं, उठाया वेट. बट वंस यू, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5-6 साल का ना, फिर आपको लगता है भाई वेट से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी फिजिक से मतलब है. आप कोई भी प्रोफेशनल एथलीट जो स्टेज के लिए तैयारी कर रहा है उसको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना उठा पा रहा है, क्योंकि स्टेज पे हाउ डू यू लुक डज नॉट डिपेंड. आपसे कोई जज ये नहीं पूछेगा कि भाई आपकी बेंच प्रेस कितनी थी. सही कह रहा रविश भाई, सही कह रहा हो ना. तो आप कैसा दिखते हैं स्टेज पे वही मैटर करता है, मसल को कितना पेन दे रहे हैं वो मैटर करता है, फॉर्म कैसी वो मैटर करता है. सो रिवर्स ग्रिप कर रहा हूँ, वही फंडा है भाई. यहाँ लाएंगे हम, यहाँ पे
बेली बटन लेना है, यहाँ पे बेल्ट के पास यहाँ लाएंगे, जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर आता है, सेम थिंग। सो एंगल ये बनता है वैसा, नीचे से एंगल क्लोज, सो टू कीप योर एल्बोस टू द साइड ऑल्सो, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अभी हम मैं डेडलिफ्ट थोड़ी सी मार लूँ, बिकॉज बहुत टाइम हो गया डेडलिफ्ट मारे हुए, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्की मारे। दूसरी चीज़ यू सी लॉट ऑफ पीपल बैक जब मारते तो आगे, मैं करके बताता हूँ क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। सो व्हाट पीपल थिंक टू गेट अ फुल एक्सटेंशन ऑफ द बैक दे हैव टू गो दिस एंड देन पुल। तो बहुत लोगों को लगता है कि फुल एक्सटेंशन ऑफ द बैक विल कम ओनली व्हेन यू आर दिस, ना फुल एक्सटेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन, ये दैट्स इट। इसके बाद आपकी लैट्स एक्सटेंड नहीं हो रही, इसके बाद आपकी लोअर बैक, देखो लोअर बैक जा रही है, ये लोअर बैक है, ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, दैट्स इट। ये तो आप लोअर बैक से खेल रहे हो अपनी, वहाँ पे जोर पड़ रहा है, और जब लोग कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं तो इसकी बजाय ये करते हैं, फिर देन इट बिकम्स अ रॉकिंग मोशन, ये करते हैं लोग। यू आर जस्ट लिफ्टिंग मोमेंटम, आप एक बार ट्राई करना, अपनी बॉडी को स्टडी रखो। चलो मान लो आप गलत कर रहे हो, मेरे लिए एक बार गलत कर लो, जस्ट की डू दिस, आपको ये ज़्यादा मुश्किल लगेगा कंपेयर टू ये, वो तो नहीं करते, दिस इज अ मोशन है बोट का, बोट का तो रोइंग मोशन, सो दिस नेम कम्स फ्रॉम देयर रोइंग, बट हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें स्ट्रिक्ट फॉर्म। सो वर्कआउट एक्यूरेट में हो चुका है, आई एम जस्ट डूइंग डेडलिफ्ट बिकॉज मेरा मन कर रहा है, मैंने बहुत टाइम से नहीं मारी। सुबह शाम कर रहे हो, हम सोचते हैं जिम आए तो मारी दे, अब दोबारा ना आए। तो ट्रैप्स ऑलरेडी वार्म्ड अप है, जब हम डेडलिफ्ट मारते हैं नीचे से पुल करते हैं, सो ट्रैप्स आर ऑल्सो पुलिंग। एक एक और बना दीजिए, दस का डाल दीजिए। तो एक चीज़ आप नोटिस करें, मैं जब स्ट्रग्स मारता हूँ ना, मैं लाइक आई डोंट डू इट फास्ट, झटका नहीं मारता मैं। नंबर वन दैट इज़ नॉट द करेक्ट मतलब पॉस्चर टू डू, फॉर्म टू डू। नंबर टू मेरे को इंजरी बहुत जल्दी आती है ट्रैप से, मेरा ना ट्रैप वीक एरिया है, सो करता तो अकड़ जाता है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर आराम से खींचूंगा ऊपर, दो सेकेंड होल्ड करूँगा, 1 2 3 लेट्स गो। सही डन। जब मैं एक साइज करता था कॉलेज में, आई शुड डू विथ 4 प्लेट, जैसे डेडलिफ्ट मारी ना उतना वेट लगा के मारता था, पट 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 पट, लेकिन ट्रैप्स कभी ग्रो नहीं हुआ। अब मैं इतना मारता हूँ, ये भी बहुत दिनों बाद मारा मैंने, दिस इज़ हैवी फॉर मी एक्चुअली, बहुत मारूंगा बस एक सेट मैं, हैमस्ट्रिंग ये वाली हो गई। आपको क्या करना है, सो दिस इज़ आर लास्ट एक्सरसाइज फॉर द पुल वर्कआउट, हैमस्ट्रिंग करेंगे, बिकॉज हैमस्ट्रिंग में भी हमें
पुल करना है. हैमस्ट्रिंग इज लाइक टांग की बाइसेप, क्वाड्स इज लाइक टांग की ट्राइसेप, क्योंकि बाइसेप ऐसे मारते हैं ना तो हैमस्ट्रिंग भी ऐसे मारते हैं. लेग कर्ल्स और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में, बट क्योंकि आज मैंने रेगुलर डेडलिफ्ट मार ली है तो मैं स्टिफ लेग नहीं मार रहा, बिकॉज वो रेपिटेशन हो जाएगा. आज मारूंगा लेग कर्ल्स. दिस वॉज अ वर्किंग सेट फॉर हैमस्ट्रिंग. तीन ही वाले, पहला वाला तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि फील लेने के लिए, सेकेंड वाला वार्म अप मेन वार्म अप, और थर्ड ये हमारा हो गया वर्किंग सेट. सो ये हमारा हो गया गाइज पुल वर्कआउट फिनिश आज का. बैक की 5 एक्सरसाइज की प्लस डेडलिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा की हमने. एक हमने पुल मारी शक्स ट्रैप्स के लिए, एक हमने पुल मारी हैमस्ट्रिंग के लिए. तो आपकी बॉडी की जो पुल मसल्स होती है यही होती है पुल मसल्स, बैक ट्रैप्स एंड हैमस्ट्रिंग यू पुल. अब हम नेक्स्ट करेंगे पुश वीडियो. पुश में हम चेस्ट और शोल्डर को ट्रेन करेंगे. तो ये वर्कआउट जो है स्ट्रेच आपका 4 दिन रहता है हफ्ते में, तो एडवांटेज इसका ये जल्दी ख़त्म हो जाता है. स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं आप 2 सेट्स इन ईच एक्सरसाइज, जिसमें से कि एक वर्किंग सेट होता है सिर्फ, और आप एब्स 4 दिन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. शुरू में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं. सो अभी मैं करने आ रहा हूँ कार्डियो. कार्डियो का एक अलग वर्कआउट बनाएंगे. सो 4 दिन पुश पुल लेग्स आर्म्स एंड कार्डियो ऑयल मेक सेपरेट, जो मैं भी करने आ रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो. अपना ख्याल रखें.